हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि उन्होंने अपनी वेडिंग में इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्रिएट किया है। सो मैंने भी ट्राई किया है थोड़ा बहुत जैसा भी मेरे को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या लुक क्रिएट किया है। या सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये आलिया भट्ट जिन्होंने अपनी वेडिंग में इस तरीके से ये लुक क्रिएट किया है। सो यही लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखो और बताओ कि कैसा लगा ये लुक। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थोड़ा भी मिलता जुलता लग रहा हो ये आलिया भट्ट से उनकी वेडिंग वाला लुक। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। सो चलिए देखते हैं क्या क्या किया मैंने शुरुआत से एंड तक। गाइज, यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ टोनर ले रही हूँ, गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, जिसे मैंने 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व होने दिया है। नेक्स्ट जो है मैं ले रही हूँ द लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा है, लाइट वेट है और बिल्कुल ही एकदम अच्छे से नेचुरल सा फिनिश दे देता है। ऐसा बहुत भारीपन नहीं लगता, इससे हल्का रहता है फेस। सो इसलिए लगाया है ये मैंने। नेक्स्ट यहाँ मैंने मार्स का ऑयल प्राइमर लिया है, जो कि थोड़ा सा मेरे चेहरे को हाइड्रेट कर देगा और अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देगा, और प्लस ये एक प्राइमर भी है। सो इसे मैं इस तरीके से यूज़ किया है मैंने, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो है मैंने ओलिविया पैनकेक का लिया है स्टिक। सो उससे ही मैं सिर्फ मेकअप करूँगी, इसमें ना फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, ना कोई कलर करेक्टर, ना कुछ भी नहीं, बस ओनली कंसीलर स्टिक जो है ओलिविया की, इसी को मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से हेल्प से इसे डैप डैप मोशन में इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से पूरे फेस को। और इतना सिंपल लुक है कि कोई भी इसे क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट जो है इनसाइड बनाना लूज पाउडर ले रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा सा और अच्छा कवरेज भी दे देता है। और ये लूज पाउडर जो है बहुत ही हल्का सा, बहुत ही प्यारा सा है और एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर देता है हमारे फेस को। और हमारा जो हमने कंसीलर लगाया था उसे सेट कर देता है। सो इस तरीके से मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर दिया है, पाउडर सेट होने के बाद हटा दिया है फेस से। उसके बाद एक लाइट पिंक शेड मैं ले रही हूँ लिप लाइनर का, जिसे मैं अपने लिप को फ्लप कर रही हूँ और हल्का हल्का लगा भी रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि लाइट सा पिंक सा शेड दे रही हूँ अपने लिप्स को। ये बहुत ही नेचुरल सा लुक दे रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ अच्छा सा लगाया है। नेक्स्ट जो है मैं इस तरीके से अपने हाथ पे लगा रही हूँ यही, और इससे ही मैं ब्लश लगा लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही, क्योंकि बहुत ही नेचुरल दिखाना है तो नेचुरल के लिए और कम प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उनमें इतने कम प्रोडक्ट में करा है भाई, बहुत कम में। उसके बाद मियोन की हाँ एक मैं न्यूड कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ, उसे मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पर लगा रही हूँ, बहुत ही प्यारा कलर आया है। उसी को मैं लिपस्टिक को ही मैं न्यूड सा कलर लेके और पीच सा है, सो इसे मैं अपने दोनों आईलेड पे लगा रही हूँ, जिससे कि आई शेडो वाला लुक आ जाएगा हल्का हल्का। नेक्स्ट मैं काजल ले रही हूँ इधर आईब्रो वाला जो होता है ऊपर का, उससे आईब्रो फ्लप कर रही हूँ मैं हल्का हल्का एक ब्रश की हेल्प से। सो ये आईब्रो मेरा डन हो गया है। इधर मेन साइड का ही मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, जिसे मैं अपने फेस को फिक्स करूँगी, जो भी हमने लगाया हुआ है इससे ये हमारा सेट हो जाएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो है मैं इधर उसी का काजल ले रही हूँ जो मैंने लिया था मनालियो करके, सो उसी का काजल ले रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो एक ब्रश की हेल्प से मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, और ये सेकंड जो आईज में लगा रही हूँ मैं, तब मेरे आईज में ये थोड़ा सा अंदर चला गया और मेरे आंसू आ गए। सो नेक्स्ट जो है मेरा लास्ट जो है हाइलाइटर, एंड हाइलाइटर हल्का सा मैंने लगा लिया है, और लास्ट जो है एटलीस्ट लास्ट समझ लो इसको मस्कारा, और लास्ट में बिंदी के साथ हमारा ये लुक होता है कंप्लीट।
और बताना गाइस कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हो गया है मेरा पूरा फाइनल लुक। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा मिलता जुलता मैंने बहुत कोशिश करी है और इसके साथ साथ मांग टीके के साथ भी बहुत मेहनत करी है और चुन्नी वुन्नी में भी बहुत लफड़े हो जाते हैं, तो वो सब भी मैंने किया है अरेंज कैसे भी करके, जैसे जैसे मेरे पे बना उतना मैंने किया। सो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो और बहुत सारा प्यार दो। और हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब वीडियो में बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते, बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, पर मैंने इसमें पूरा कोशिश किया है कि सब चीज़ बताऊं और एक एक चीज़ बताई है। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और थोड़ी भी मैं आलिया भट्ट से मैच कर रहा हूँ मेरा मेकअप, मैं नहीं ज्वेलरी और गेटअप को छोड़ के मतलब सिर्फ और सिर्फ मेकअप किया है, ज्वेलरी तो मैंने जुगाड़ से किया है पर थोड़ा मिलता जुलता लग कर दिया है मैंने। अगर ये लुक को पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।